नहीं है, ये पर्चियां हैं, मोहित बता रहे हैं। अब देखिए बेटा आप लोग ध्यान से सुने, ध्यान से सुने क्या नियम है, और दर्शक भी जब नियम जानेंगे, कानून जानेंगे, तभी उनको अच्छा लगेगा कौन टीम लीड कर रही है, कितना कुछ। हमारे टाइम कीपर तैयार है, टाइम कीपर हाँ, इससे पहले नियम कानून बताएं बेटा। आज हमने जो रेफरी आमंत्रित किए हैं, मैं उन दोनों महानुभावों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बिड़ला विद्या मंदिर में बास्केटबॉल के कोच हैं शेरा, हमारे रेफरी शेरा जोरदार तालियों से मैं गिर जाऊंगा तो, और धीरज हैं बिड़ला विद्या मंदिर में चेस के आप खिलाड़ी हैं। तो हम दोनों अपने रेफरीज, इनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, दोनों का स्वागत करते हैं। यदि रेफरीज की अनुमति हो तो अब हम नियम यहाँ से दीपक फुल्स के माध्यम से बताएं। जी दीपक, फर्स्ट नियम यह है कि आपको 7 मिनट के अंदर दही हांडी को फोड़ना है, 7 मिनट, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट रेफरी एक विसिल बजाएगा, एक विसिल बजाते ही वो जो लाइन बनी हुई है चूने की, उससे सब लोग पीछे हो जाइए। पहले तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू, सभी लोग पीछे हो जाओ, सभी लोग उससे पीछे हो जाओ, वो जो लाइन बनी है, आप भी बच्चों पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, मैट से सारे पीछे, मैट के ऊपर कोई नहीं बैठेगा। ठीक है, तो 7 मिनट में आपने दही हांडी को फोड़नी है। अगर आपको 7 मिनट से ज्यादा होता है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर देंगे। अगर 7 मिनट से होगा तो वो हमारा टाइम नोट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने रोप को नहीं पकड़ना है, ठीक है, रोप को नहीं पकड़ के फोड़ना नहीं है। उसके ऊपर नारियल रखे हुए हैं, नारियल से ही आपको फोड़ना है, रोप को नहीं पकड़ना है। घड़े को आप पकड़ सकते हो, हांडी को आप पकड़ सकते हो, ठीक है। पहली विसिल बजेगी, जब फर्स्ट रेफरी पहली विसिल बजाएंगे तो आपको सारी स्कूल की टीम को लाइनअप कर लेंगे, ठीक है, लाइनअप करेंगे। और सेकंड रेफरी जब दो बार विसिल बजाएगा, ठीक है, जब दो बार विसिल बजाएगा तो स्टार्ट होना है, ठीक है, स्टार्ट होना है, स्टार्ट करके आपने शुरू कर देना है 7 मिनट, ठीक है। अगर आप हांडी को फोड़ के अच्छे से उतर के वापस वही लाइनअप करते हैं तो आपको 10+ नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप गिर जाते हैं तो आपके -10 हो जाएंगे। उसको फोड़ के अच्छे से उतर के लाइनअप भी करना है, और लाइनअप में वहां जाके बोलना है क्या, राधे राधे, क्या बोलना है, ठीक है। तो आपने शुरू करना है वहां पर से, जैसी फर्स्ट विसिल बजेगी उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। जब दो बार विसिल बजेगी तो आपने आगे आ जाना है, फर्स्ट विसिल में लाइनअप, सेकेंड विसिल में आगे जाना है, फिर चढ़ना है, रोप को नहीं पकड़ना है, हांडी को फोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद नीचे उतरना है। नीचे उतर के अगर आप गिर गए तो आपका माइनस, चाहे आपने फोड़ भी दी, जितने पॉइंट आपको स्टॉप वॉच में पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, जितने पॉइंट उतने आपको मिल गए, 70 में से हम शायद पॉइंट 70 में से 7 मिनट का है तो 70 में से पॉइंट दे देंगे। अगर आप गिर गए तो -10 हो जाएगा। अगर आप अच्छे से उतर के वापस वहाँ खड़े होकर राधे राधे बोलते हैं तो जो है हमारा क्या होगा, आपको 10+ नंबर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट स्कूल नैनीताल ताइक्वांडो फर्स्ट आएंगे, सेकंड एनसीसी डीएसपी एनसीसी सेकंड आएगा, थर्ड बीएसएसपी नैनीताल थर्ड आएगा, और फोर्थ आरएसएस, ठीक है, आरएसएस गंदर वो फोर्थ आएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, आप लोग सारे वहां चले जाएंगे, अपने टीम को कर लीजिए, बाकी ऑडियंस सब पीछे हो जाएंगे, सब टीम ऊपर आके उसके पीछे खड़े हो जाओ,